शपथ ग्रहण के 3 दिन बाद ही मोदी सरकार मोर्चे पर डट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को 100 दिन का एजेंडा तैयार करने का एक टास्क दे दिया है। मोदी चाहते हैं उनके मंत्री वक्त ना गंवाएं और फौरन जनता की उम्मीदों और उनसे किए गए वादों को पूरा करने में जुट जाएं। देश के 15वें प्रधानमंत्री की शपथ के शब्द और तस्वीरें अभी टीवी चैनलों के स्क्रीन से ओझल हो पाती, उससे पहले ही मोदी एक बार फिर एक्शन में नजर आ रहे थे। 65 घंटे के भीतर दूसरी बार साउथ ब्लॉक के हॉल में मोदी कैबिनेट के मंत्रियों की गहमागहमी ये संदेश दे रही थी कि नई सरकार कतई वक्त जाया करने के मूड में नहीं है। सुबह 11 बजे के करीब मोदी कैबिनेट मीटिंग में पहुंचे। पहले एक एक मंत्रियों से उनकी मुश्किलों पर बात हुई और फिर सरकार के प्रधान सेनापति ने अपने सिपहसालारों के सामने 100 दिन के एजेंडे की पहली बड़ी लक्ष्मण रेखा खींच दी। प्रधानमंत्री ने जिन्हें ये विषय भी कहा है, पहला 100 दिन में हर एक मंत्री अपना अपना टाइम टेबल तय करे, प्राथमिकता क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी, और जो इश्यूज पेंडिंग है डिपार्टमेंट में पुराना सरकार के कारण से हो और भी कारण हो, उसको प्रायोरिटी देके तुरंत उसका समाधान करने के लिए प्रयास करना चाहिए। दूसरी मुलाकात में ही मोदी ने अपने मंत्रियों को यह एहसास करा दिया कि गुजरात में बड़ी और चमत्कृत करने वाली उनकी कामयाबी का राज क्या है, जो उन्हें मौजूदा सियासतदानों की जमात में सबसे बड़ा टफ टास्क मास्टर माना जाता है, और क्यों मोदी को नजदीक से जानने वाले उनके नेतृत्व की मुक्त कंठ से सराहना करते हैं। आज की बैठक में मोदी ने मंत्रियों को अपनी अपेक्षाएं बताई तो उन पर खरे उतरने के 3 मंत्र भी दिए। मोदी का पहला मंत्र सुशासन, मोदी का दूसरा मंत्र काम का निष्पादन, और मोदी का तीसरा मंत्र योजनाओं पर अमल। करीब 1 घंटे की बैठक में मोदी ने अपने मंत्रियों को तमाम राहें दिखाई, ये भी बताया कि जनता से सीधे जुड़ने का आसान रास्ता क्या हो सकता है। मोदी का फंडा सीधा है, जनता को खुश देखना चाहते हो तो उनसे संवाद के किसी मौके को नजरअंदाज मत करो, उनकी शिकायतों को संजीदगी से सुनो और उनका समाधान तलाशो, क्योंकि मोदी ये बखूबी जानते हैं कि अगर जनता उन्हें ऐतिहासिक जनादेश देकर सत्ता के शीर्ष पर विराजमान कर सकती है तो उन्हें नजरअंदाज करने का अंजाम इसके उलट भी जा सकता है। उन्होंने जोर देके ये भी कहा, जो स्टेट गवर्नमेंट से जो चिट्ठियां आती है, रिप्रेजेंटेशंस आते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, उसको अध्ययन करके तुरंत रेस्पॉन्स देना चाहिए। तो पहली 2 बैठकों में ही मोदी ने सरकार के संस्कार की झलक दिखानी शुरू कर दी है। अपने मंत्रियों से राज्य सरकारों की शिकायतों को ठंडे बस्ते में ना डालने की हिदायत देकर मोदी ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि क्षेत्रीय क्षत्रपों से भेदभाव नहीं होगा। जल्द ही वो 100 दिन के एजेंडे पर मंत्रियों से 1-to-1 मीटिंग भी करेंगे। अब देखने वाली बात ये है कि मुद्दों के महासागर से मोदी के मंत्री 100 दिन के अपने एजेंडे में क्या तलाश कर लाते हैं, उन पर अमल किस तरह और कितना होता है, और पहले 100 दिन के बाद अच्छे दिन के संकेत मिल पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। सत्ता संभालने के साथ ही मोदी ने एक नया फरमान भी जारी कर दिया है। मोदी चाहते हैं कि उनके मंत्री अपने रिश्तेदारों को पर्सनल स्टाफ में न रखें। केंद्र सरकार ने इसके लिए बाकायदा सर्कुलर जारी कर दिया है। माना जा रहा है कि मोदी ने यह कदम अतीत से सबक लेते हुए उठाए हैं। छब्बीस मई की उस ऐतिहासिक शाम की गोधुली बेला में जब नरेंद्र मोदी अपने 45 मंत्रियों के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे थे, तकरीबन उसी वक्त प्रधानमंत्री कार्यालय में नई सरकार का पहला आदेश अंतिम रूप ले रहा था। भव्य शपथ ग्रहण समारोह खत्म होने के चंद घंटे बाद ही मोदी सरकार का वो पहला आदेश इस सर्कुलर की शक्ल में देश के सामने आ गया। मोदी ने सबसे पहले मंत्रियों को पर्सनल स्टाफ में अपने रिश्तेदारों को ना रखने की हिदायत जारी कर सरकार में भ्रष्टाचार के सूत्रधारों पर पहला और बड़ा हमला कर दिया। हम इससे 100% सही है, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। और हम लोगों ने, हम तो 89 से हैं, मिनिस्टर रहे 89 से रहे हैं, आज तक हमने कहीं फोर्थ ग्रेड में भी अपने संबंधी को नहीं रखा है। अगर ये है तो अच्छी बात है, मैं देखे नहीं है, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छे सुशासन के लिए एक अच्छा रूल होगा। गुजरात में गवर्नेंस के लंबे अनुभवों से मोदी को इतनी जानकारी और इतना एहसास तो जरूर हो गया है कि मंत्रियों के पर्सनल स्टाफ की नौकरी बजाने वाले मंत्री की बीवी, साले, भाई भतीजे और भांजों की बड़ी बड़ी डीलों में क्या भूमिका होती है। सत्ता के संस्कार को समझने वाले मोदी के कानों तक मंत्रियों के रिश्तेदारों के कारनामों की कहानियां भी जरूर पहुंची होंगी। वो इससे जरूर वाकिफ होंगे कि कैसे सरकारी सौदों में मंत्री के रिश्तेदार दलाली और बिचौलिए का काम करते हैं। उनके सामने पवन बंसल जैसे पूर्व मंत्रियों की भी मिसाल रही होगी,
जब भांजे की कारगुजारियों से मामा और सरकार दोनों की फजीहत हुई। मोदी ने अतीत से नसीहत ले ली और बिचौलियों की उस बिरादरी पर नकेल कसने की कवायद शुरू कर दी। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद अब चर्चा ये शुरू हो गई है कि इस दायरे में सांसदों को भी क्यों न लाया जाए। आप सांसदों के बारे में कह रहे हैं, सांसदों को ऑलरेडी एक गाइडेंस है, अपना रिश्तेदार को अपना पेशे में नहीं रखना चाहिए, फिर मगर कोई लिखित पूर्वक कोई सांसदों को अभी तक कोई ऐसा मार्गदर्शन दिया नहीं, आपने याद दिलाया। मंत्रियों के पर्सनल स्टाफ पर हर साल सरकारी खजाने के करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जरा गौर कीजिए। कैबिनेट मिनिस्टर को प्राइवेट सेक्रेटरी, ड्राइवर और चपरासी समेत 15 स्टाफ रखने की इजाजत है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार 13 स्टाफ रख सकते हैं। हर अतिरिक्त स्वतंत्र प्रभार के साथ 6 और राज्य मंत्री के मामले में 3 स्टाफ की बढ़ोतरी की जा सकती है। मंत्रियों को मिलने वाले स्टाफ की सुविधाओं के नाम पर भ्रष्टाचार के फलते फूलते नेटवर्क पर मोदी ने चोट कर दी है। साथ ही विदेश दौरों पर होने वाले अनाप शनाप खर्चे पर लगाम लगाने की भी तैयारी है। मंत्रियों से कहा गया है कि वो विदेश दौरे से पहले पीएमओ को जानकारी दें। मोदी नई लकीर खींचने की कोशिश में दिख रहे हैं, असर क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। मंत्रिमंडल तो तय हो गया, लेकिन मोदी की कोशिश अफसरों की एक ऐसी टीम तैयार करने की भी है जो भविष्य की योजनाएं तय कर सके और उन योजनाओं को अमली जामा पहना सके। गुजरात से यूपी और यूपी से दिल्ली तक मोदी ऐसे अफसरों को चुन चुन कर दिल्ली ला रहे हैं जो उनके एजेंडे को आगे बढ़ा सके। देश के 15वें प्रधानमंत्री की शपथ के बाद नरेंद्र मोदी कामकाज संभालने साउथ ब्लॉक पहुंचे तो उनके तरफ पहली फाइल बढ़ाने वाले इस शख्सियत को पूरे देश ने गौर से देखा। आप भी जरा गौर से देखिए और ये जानने की कोशिश करिए कि आखिर कौन है ये। इनसे आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन पहले जरा आपको ये बता दें कि ये वही शख्स हैं जिनके लिए मोदी ने सालों पुराने कानून को एक झटके में तोड़ दिया। यही वो शख्स हैं जिनकी प्रधानमंत्री की शपथ से पहले ही मोदी से 3-3 मीटिंग हुई और एक मीटिंग में मोदी ने यहाँ तक कह दिया कि आपको मेरे साथ काम करना है। ये वो शख्स हैं जिनके मुरीद मुलायम सिंह भी रहे, जिनकी मनमोहन सरकार में भी धमक रही। और जब मोदी अफसरों की अपनी पसंदीदा टीम बनाने बैठे तो फाइलों की लंबी चौड़ी फहरिस्त में उन्हें सबसे असरदार बायोडाटा इन्हीं का नजर आया। जी हाँ, ये है नृपेंद्र मिश्रा, नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव। दिल्ली की सत्ता के गलियारों से नृपेंद्र मिश्रा का पुराना नाता रहा है। नृपेंद्र मिश्रा 2006 से 2009 तक टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के चेयरमैन रहे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में दूरसंचार सचिव की जिम्मेदारी भी संभाली। स्पेक्ट्रम घोटाले में उनकी भूमिका पर भी सवाल उठा, कोर्ट में गवाही भी देनी पड़ी। 2007 में मिश्रा की अध्यक्षता में ही ट्राई ने स्पेक्ट्रम नीलामी की सिफारिश की थी। ट्राई के नियमों के मुताबिक रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक नृपेंद्र मिश्रा की सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं हो सकती थी। कानून नृपेंद्र मिश्रा को फिलहाल कोई पद लेने की इजाजत नहीं दे रहा था, लेकिन मोदी किसी भी कीमत पर पीएमओ में इस पूर्व नौकरशाह को देखना चाहते थे। आखिरकार मोदी ने कैबिनेट की पहली ही बैठक में अध्यादेश लाकर पुराने नियम को पलट दिया और नृपेंद्र मिश्रा को प्रधान सचिव नियुक्त करवा दिया। कांग्रेस ने मोदी के फैसले पर सवाल भी उठाया, लेकिन सरकार की सेहत पर कोई फर्क नजर नहीं आया। प्रधानमंत्री जी का कोई इसके बारे में स्पष्टीकरण करने की जरूरत नहीं है। On the issue of competence, proven integrity, and utility for greater responsibility, it was decided, and it is no issue at all. My friends in the opposition seems do not have any other issue, so they are trying to rake up this issue where there is no controversy at all. मोदी के दूसरे लेफ्टिनेंट का नाम है अजीत डोभाल, जिनका मोदी सरकार में देश का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनना तय हो गया है। कहा जा रहा है कि सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को मोदी के ताजपोशी में बुलाने का आइडिया अजीत डोभाल का ही था। डोभाल आतंकवाद के खिलाफ रणनीति बनाने में एक्सपर्ट माने जाते हैं। कौन है अजीत डोभाल? एनडीए सरकार में डोभाल आईबी के निदेशक रहे। 1999 में कंधार प्लेन हाईजैक से निपटने में डोभाल की अहम भूमिका रही। पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी डोभाल का अहम रोल था। डोभाल 5 सालों तक पाकिस्तान में अंडरकवर एजेंट रहे। लेकिन इन तमाम खासियतों के साथ ही अजीत डोभाल की बड़ी खासियत ये है कि उनकी आरएसएस और बीजेपी में भी पैठ रही है। लाल कृष्ण आडवाणी के वो बेहद विश्वस्त माने जाते हैं। मोदी के तीसरे महत्वपूर्ण लेफ्टिनेंट वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी होंगे, जिन्हें मोदी सरकार में देश का नया अटॉर्नी जनरल बनाने का फैसला किया गया है। कौन है मुकुल रोहतगी? मुकुल रोहतगी सुप्रीम कोर्ट के जाने माने कॉरपोरेट वकील हैं। इसके अलावा
मुकुल रोहतगी का बीजेपी से पुराना नाता रहा है। एनडीए सरकार में वो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे। इन्होंने 2002 के गुजरात दंगों और बेस्ट बेकरी मामलों में गुजरात सरकार की सुप्रीम कोर्ट की पैरवी की थी। देश के अगले सॉलिसिटर जनरल के रूप में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ही वकील रंजीत कुमार को नियुक्त करने का फैसला लिया है। रंजीत कुमार गुजरात सरकार की तरफ से गोधरा कांड, बेस्ट बेकरी और स्नूप गेट मामलों में वकील रहे हैं। मोदी मंत्रिमंडल में अगले कैबिनेट सचिव के नाम पर मौजूदा पेट्रोलियम सचिव सौरभ चंद्र का नाम सामने आ रहा है।